हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अध्ययन। होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग योर प्रिपरेशन ऑफ एनएसओ विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियोस। टुडे वी आर गोइंग टू डू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड दिस इज पार्ट टू ऑफ आवर वीडियो सीरीज। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डन 5 क्वेश्चंस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस फॉर फर्दर वीडियोस। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द फोर्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी इज इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है तो वो जो है किस तरह के ऑब्जेक्ट पर जो है वो जो है अप्लाई होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो किस पे अप्लाई होता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है किस तरह से जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है कि जो एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर इसे हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मैन है जो कि इस रॉक पर जो है वो क्या कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है जिसे कि यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया गया है। वहीं पर इसी के रिएक्शन क्या कर रहा है, रॉक भी क्या कर रहा है इस पर जो है, इस मैन पे क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो है मैन जो है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड पर भी एक ये एक्शन इसका यहाँ पर लग रहा है। इसी के अपोजिट में क्या हो रहा है कि ये ग्राउंड भी जो क्या कर रहा है, मैन के ऊपर जो है ये रिएक्शन फोर्स जो है वो लगा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो यही जो है न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो यही बोलता है कि जो एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाई द फोर्स विच कांट एक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑप्शन नंबर सी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर हमको इस तरह के फोर्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के वर्क नहीं करता है। तो इस तरह का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, अ फोर्स दैट ओनली फंक्शंस व्हेन टू बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, तो जो कि दो बॉडीज के बीच में तभी वर्क करते हैं जबकि उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। जैसा कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, इस गिलास पे जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गिलास और इसके हैंड के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट के कारण ये जो गिलास है ये ऊपर हो रहा है और ये जो बॉय है वो ड्रिंक कर पा रहा है। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज मून ऑर्बिटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज साइकिलिंग ऑफ अ बॉय एंड ऑप्शन नंबर सी इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर निकल करके आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मून ऑर्बिटिंग। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं उनका क्या कंसेप्ट है। नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अ फोर्स दैट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल टच। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जिनको कि फिजिकल टच की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद है हमारा मैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने अभी देखा कि जो मून की जो ऑर्बिटिंग होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है, इसीलिए क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स को शो किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर इनर्शिया. कंसीडर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम साइज. ऑप्शन नंबर ए इज अ प्लास्टिक बॉल, ऑप्शन नंबर बी इज अ पेपर बॉल एंड ऑप्शन नंबर सी इज अ सॉलिड आयरन बॉल. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें से किसकी जो है इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या हैं, सेम साइज के हैं. तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ सॉलिड आयरन बॉल. तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो इनर्शिया होती है इसका क्या कंसेप्ट यहाँ पर होता है. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर इनर्शिया. कंसीडर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम साइज. ऑप्शन नंबर ए इज अ प्लास्टिक बॉल, ऑप्शन नंबर बी इज अ पेपर बॉल एंड ऑप्शन नंबर सी इज अ सॉलिड आयरन बॉल. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें से किसकी जो है इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या हैं, सेम साइज के हैं. तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ सॉलिड आयरन बॉल. तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो इनर्शिया होती है इसका क्या कंसेप्ट यहां पर होता है. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है जिसे कि यहाँ पर m से डिनोट किया गया है, और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है जिसे कि यहाँ पर r से डिनोट किया गया है, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के जो है ये बराबर होता है. तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कैपिटल I से डिनोट किया है. तो इस तरह से कैपिटल आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है फॉर्मूला निकल करके आ जाता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो है मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा होता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होती है. इसी के अपोजिट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कम होता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इनर्शिया होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, वो कम होती है. तो अभी हमने जो ऑप्शन में देखा है सॉलिड आयरन बॉल, तो सॉलिड आयरन बॉल का जो वेट होगा, जो मास होगा वो क्या है, सबसे ज़्यादा होगा. इसीलिए हमने यहाँ पर जो राइट आंसर जो निकाला है वो क्या है हमारा, तो सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड आयरन बॉल की जो इनर्शिया है वो सबसे ज़्यादा होगी. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इफ़ अ फोर्स 350 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक बॉडी है जिसका कि मास कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम दिया गया है, और इस पे जो है 350 न्यूटन का जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए. तो क्या होता है फार्मूला, तो एफ इक्वल टू एम ए ये फार्मूला होता है. तो यहाँ पर जो है हमको a निकालना है जो कि acceleration से denote किया गया है. तो इस तरह से a equal to क्या हो जाएगा, a equal to f by m. तो यहाँ पर हम इस formula में put कर लेते हैं, तो 350 upon 5 यहाँ पर जो है हमको दे रखा है. तो इस तरह से इसको calculate करने पे हमारा जो acceleration निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 70 meter per second square. तो acceleration की जो unit होती है वो होती है हमारी meter per second square. क्वेश्चन नंबर 12 इज अ फोर्स एक्ट्स फॉर 2 seconds ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kilogram इनिशियली एट रेस्ट. जस्ट आफ्टर द फोर्स स्टॉप्स टू एक्ट द बॉडी मूव्स 10 meter इन नेक्स्ट 2 seconds. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए बोला गया है, और हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है. तो सबसे पहले तो ये जो बॉडी है वो क्या है, इसका जो वेट है यहाँ पर मास है वो कितना है, 2 kilogram है, और इनिशियली ये क्या है, रेस्ट में है. इसका मतलब इसके जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो u होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 2 seconds के लिए कर रहा है, टाइम हमको दे रखा है. और ये क्या है, जस्ट आफ्टर द फोर्स स्टॉप्स टू एक्ट द बॉडी मूव्स 10 meter इन नेक्स्ट 2 seconds. तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना चल रहा है, 10 meter इन नेक्स्ट 2 seconds. तो सबसे पहले यहाँ से हम जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालें
तो 10/2 हमारा क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो वी माइनस यू क्या हो जाएगा हमारा, 5 माइनस यहाँ पे 0 हमने नहीं लिखा है, तो 5/2, और टी कितना दिया है हमको, 2 सेकेंड दे रखा है, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद जो एक्सेलरेशन निकल करके आएगा हमारा सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हमसे फोर्स निकालने के लिए बोला गया है, तो हमने अभी एक्सेलरेशन निकाला और हमको क्या है इसका मास भी पता है, जो कि हमारा कितना है, 2 किलोग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो हम इस फॉर्मूले में इसको बढ़ लेंगे, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम इसमें इसकी वैल्यू बढ़ लेते हैं, तो 2 × 2.5 जो कि हमने अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो फोर्स निकल करके आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, दैट इज़ 5 न्यूटन। तो न्यूटन क्या है हमारी, फोर्स की ये यूनिट होती है, तो इस तरह से फोर्स हमारा निकल करके आ गया 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर एक्सीलरेशन और क्या पूछा गया है, फोर्स निकालने के लिए बोला गया है, और यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले जो ये ट्रक है जो कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो हमारा u क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। वहीं पे ये क्या है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो s इक्वल टू कितना है हमारा, 400 मीटर है, और t हमको दे रखा है 20 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम ये जितने भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी उसे पुट कर लेते हैं, तो 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, ये रेस्ट में है, तो 0 प्लस हाफ इनटू a इनटू t कितना दे रखा है, 20 सेकंड, तो 20 × 20 क्योंकि ये t स्क्वायर दे रखा है। तो इस तरह से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा इधर की साइड कितना आ जाएगा, 200 a जो है वो निकल करके आ जाएगा। नाउ 400 इक्वल टू 200 a, जो कि हमने यहाँ पर s का वैल्यू कितना निकाल रखा है, जो कि दिया हुआ है 400 मीटर, और अभी हमने यहाँ पर निकाला, तो 200 a इधर लिख लेंगे। इसके बाद जब हम a निकालेंगे, तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, तो 400 अपॉन 200, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में। इसके बाद हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मास कितना दिया हुआ था हमको, 7 मेट्रिक टन, तो इसे हम सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो फोर्स होता है तो उसकी जो यूनिट है न्यूटन होती है, तो वहाँ पर जो है मास हमको किस में लेना होता है, किलोग्राम में लेना होता है, तो इसीलिए इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यह कितना हो जाएगा हमारा, 1 मेट्रिक टन जो है वो 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो 7 मेट्रिक टन हमारा हो जाएगा 7000 किलोग्राम के इक्वल। तो अब इसी फॉर्मूले में हम इसे पुट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, तो F इक्वल टू ma, तो हमारा 7000 × 2 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 14000 न्यूटन जो है हमारा, ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, फोर्स हमारा निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों की यूनिट और ये जो है जितने भी यहाँ पे वैल्यू निकल करके आई वो हमने यहाँ पर जो है वो सॉल्व की। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज मास, ऑप्शन नंबर बी इज एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इज मोमेंटम, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो रॉकेट वर्क करता है वो किस तरह के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल करके आएगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोमेंटम। तो अब हम देख लेते हैं कि जो रॉकेट है किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है। तो रॉकेट किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है, इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो रॉकेट होता है ये क्या करता है, इसमें बैक साइड में क्या होते हैं, जो ये हॉट जो गैसेस होती हैं वो निकलते रहती हैं। तो ये जो हॉट गैसेस है ये क्या करती है, द हॉट गैसेस एग्जर्टेड बाय द रॉकेट प्रोड्यूस मोमेंटम।
ये जो हॉट गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं, मोमेंटम प्रोड्यूस करती हैं एंड रॉकेट पुट्स बैकवर्ड मोमेंटम ऑन द गैसेस। तो ये जो रॉकेट होता है ये क्या करता है, गैसेस पे बैकवर्ड मोमेंटम जो है वो एग्जर्ट करता है। इसी के अपोजिट एंड गैसेस प्रोड्यूस फॉरवर्ड मोमेंटम ऑन द रॉकेट, और ये क्या करती है, गैसेस इस रॉकेट पे आगे की ओर जो है वो फॉरवर्ड मोमेंटम जो है वो अप्लाई करती हैं, जिसके के कारण क्या होता है, सो द रॉकेट ड्यू टू विच रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड। तो इसी रीजन के कारण, इसी जो फॉरवर्ड मोमेंटम के कारण जो ये रॉकेट है वो आगे की ओर जो है इसका मूवमेंट होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो रॉकेट है वो किस तरह के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर जो है वो वर्क करता है, इसे हमने इस तरह से देखा। तो आई होप आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से ज़रूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।